हमारे समाज का एक समुदाय है जो शायद इस दुनिया का सबसे पहला स्वच्छता सेनानी है। इस समुदाय के लोग सदियों से स्वच्छता सेवा में जुटे रहे हैं। हमारे गांव को तो इन्होंने साफ कर दिया, पर हमारे समाज के मन के मैल को ये ना मिटा सके। बाबा जी, भले ही इन लोगों का हमसे बैर हो, लेकिन ये गुग्गा गुग्गी हमको बहुत पसंद आ गया है। इसे तो हम जरूर खरीद कर रहेंगे। एक कफन भी खरीद ले साथ में। तो क्यों बाबा जी? आंखें खोल और देख, ये गांव हमारे चुंगल से फिसलता जा रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है या नहीं? अरे इस गांव का विकास समझ ले हम दोनों का धंधा कलास। तो सच में हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। मालूम है मुझे, बाबा पहलवान है नाम मेरा। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा ना कि ये पूरा का पूरा गांव मेरी मुट्ठी में। तू बस देखता जा। तो गुग्गा गुग्गी तो मैं बनाऊंगा। के नीचे पक रही स्नेहा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? अर्जुन, आज मैं फिर से हमारी मंगनी का एल्बम देख रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। सरपंच जी, अरे नमस्कार सरपंच जी, कहाँ हो? देखिए तो सही कौन आया आपसे मिलने। हाँ बाबा पहलवान, नमस्ते। बताओ भाई कैसे आना हुआ? कमाल करते हैं सरपंच जी आप तो है। कल तक हम आपके लिए बाबा जी हुआ करते थे बाबा जी, आज सिर्फ बाबा पहलवान। भाई यही तो नाम है तुम्हारा? सो तो है। बात क्या वो बताओ? गांव बदल रहा है तो सोचा हम भी अपना कुछ योगदान कर दें।
अपना हाथ बटा दे। बाबा तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। अरे भाई हम इस बार सरपंच के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं। वोट फॉर बाबा पहलवान और पुड़िया पे मोहर लगाए। भाई क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, कोई भी खड़ा हो सकता है भाई। तो मतलब आप दोबारा फिर खड़े होंगे? हाँ बिल्कुल खड़ा हो रहा हूँ। मुझे तो गांव को अभी और भी आगे ले जाना है। अब बैठो, बैठ के बातें करते हैं। बैठिए पहले, आइए बैठिए तो सही। बहुत अच्छी बात है, इस गांव को आगे लेके जाना। अरे आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं, लेकिन एक बात नहीं पता आपको कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं। मुद्दे की बात बताओ कि कहना क्या चाहते हो। गुजारिश है एक छोटी सी, रिक्वेस्ट, आप इस बार चुनाव में ना खड़े हो, आप बस बैठे रहो। क्या मतलब? अरे सरपंच तो आप रह चुके हो ना एक बार, तो और क्या चाहिए आपको? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए ये बताइए। अरे हम ट्रैक्टर भर भर के लेके आएंगे आपके पास, आप सिर्फ बोलिए, बस बोलिए बोलिए। चलो उठो और निकलो यहां से, निकलो यहां से। अरे सरपंच जी आप तो खामे का गुस्सा कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं चाहिए तो आपके नाम के 10-12 शौचालय बनवा दें और उस पर लिखवा देंगे पूर्व सरपंच मुखराम दुबे शौचालय, और जिसे टट्टी करनी हो मुझ पे आके करे। पहलवान इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं चुपचाप निकलो, निकलो। आज जानते हैं हम, लेकिन सीधी उंगली से घी निकालने के लिए पहलवान सिर्फ एक कोशिश करता है, सिर्फ एक। इलेक्शन में मुलाकात होगी पूर्व सरपंच मुखराम दुबे और पुड़िया पे ही मोहर लगाना। लाली देखो हमारे यहाँ कौन आया है। नमस्ते लाली। नमस्ते स्नेहा जी। नमस्ते पन्ना जी। कैसी हो, कैसा लग रहा है अब? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है स्नेहा जी। आपने जो पहल की है स्वयं शौचालय साफ करने की, उससे हमारा काम काफी कम हो गया है, वरना अभी तक का हमारा जीवन औरों का मल ढोते हुए ही बीता है। आप लोग समाज की जो सेवा करते हैं उसका महत्व अभी तक कोई समझा नहीं है, पर हम सब कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की, और ये भी बताएंगे कि दूसरों का मल अपने सर पर ढोना कानून का उल्लंघन है। अरे कुछ नहीं होता दीदी, हम तो पूरे गांव की गंदगी साफ करते, फिर भी लोग हमें ही छोटा समझते हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, ये एक बहुत ही गलत विचारधारा है जिसे हम सबको मिलकर बदलना होगा। क्यों लाली जी, सिर्फ बातें करती रहोगी या चाय पानी भी पिलाओगी हमें? आप लोग हमारे घर का चाय पानी पियेंगे? बाकायदा पीऊंगी और मांग कर पीऊंगी। आप लोगों को डॉक्टरों से कोई परहेज तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं स्नेहा जी, आपने तो हमारा मान बढ़ाया है। आप बैठिए ना, हम अभी आए। इतना तो स्नेहा दी के साथ रहकर मैंने भी सीख लिया कि इंसान और पानी की कोई जात नहीं होती। वो तो है। Thank you.
को आज चौपाल पे आना है? हाँ जरूर आएंगे, पगड़ी पहन के आएंगे। क्या बात है, तुम चाय नहीं पिलाओगी? चाय हम ही बना के लाते हैं, बस हम अभी बना के लाएंगे। क्या बात है, तुमने तो सब अच्छे से सिखा दिया। अरे सिर्फ चाय नहीं, रसोई में भी मदद करते और चाय तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। देख रहे हो स्नेहा के हथकंडे, गांव के शौचालय साफ करते करते एक दिन ये हमारा भी सफाया कर देगी। अब याद आया आपको है? आप भी तो गए थे गांव में टॉयलेट साफ करने के लिए, तब तो आप हमसे नहीं पूछे थे। हम तो अपनी छवि बढ़ाने के लिए गए थे, कोई सरपंच बनने के लिए टट्टी उठाता है का? एक बात आपको साफ साफ बता दें, इतना आसान नहीं है आपका सरपंच बनना, समझे कि नहीं? बेटा एक गरीबों को खरीदने के लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अरे इनकी जो लाचारगी है ना, वही हमारी संपत्ति है। नमस्कार साथियों, आज हमारे गांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक बहुत लंबे मुश्किल सफर के बाद हमारा गांव अपनी मंजिल तक पहुंचा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मंजिल क्या है? याद है हम सब ने एक प्रण लिया कि हम में से कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा। आज वो प्रण सच्चाई बन चुका है। आज हमारा गांव ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। और इस सबका श्रेय जाता है आप सबको। हमारे समाज का एक समुदाय जो शायद इस दुनिया का सबसे पहला स्वच्छता सेनानी है, इस समुदाय के लोग सदियों से स्वच्छता सेवा में जुटे रहे हैं। हमारे गांव को तो इन्होंने साफ कर दिया, पर हमारे समाज के मन के मैल को ये ना मिटा सके। हमारे आदर पर, सत्कार पर इनका हक है। तो आइए आज हम इनका सत्कार बिल्कुल वैसे करें जैसे बापू यानी गांधी जी होते तो करते। तो इस सम्मान देने के कार्य के लिए मैं अपना साथ देने के लिए बुलाना चाहती हूँ सरपंच जी को। और बुआ जी को। अब आएंगे मुन्ना। और साथ में हमारी प्यारी पन्ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।
एक मिनट, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। आइए। दोस्तों, वैसे तो किसी भी वर्ग के लोगों की अगर नौकरी छूट जाए तो दुख तो होता ही, लेकिन मुझे खुशी है कि शौचालय बन जाने से इन लोगों को सदियों की उस मजदूरी से छुटकारा मिला है। मगर इनकी आमदनी कैसे होगी? तो मेरा आप लोगों से एक प्रस्ताव है कि शौचालय बनाने के कार्य में इन लोगों को कड़िया का काम दिया जाए। और कड़िया का काम सिखाने की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सारी मेरे जिम्मे है। और ऐसा करने से एक छोटा सा मजदूर एक अच्छा मिस्त्री बनेगा, एक कारीगर बनेगा और इनकी आमदनी और बढ़ेगी। देखते हैं कब तक ऐसा चलेगा। प्रतापपुर का तो तुमने कर दिया है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। स्नेहा माथुर, अब हम प्रतापपुर को करेंगे PSF। PSF? ये क्या है बाबा जी? प्रतापपुर स्नेहा फ्री। ये सुन के मजा आ गया बाबा। PSF, प्रतापपुर स्नेहा फ्री। एक बात समझने लायक है, महात्मा गांधी यानी हमारे बापू, वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहचाना था कि स्वच्छता का ना होना एक श्राप है, एक देशव्यापी बीमारी है। और उन्होंने ये भी पहचाना था कि इस क्षेत्र के सेवा कर्मी दुनिया के पहले स्वच्छता सेनानी हैं। सदियों से समाज ने उन्हें छोटा समझा है, उन्हें धुतकारा है, मगर असल में हम पर उनका सदियों पुराना कर्ज है, उनका एहसान है हम पर, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है जिसे करने में आम आदमी झिझकता है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके योगदान को पहचानें, उनका सम्मान करें, क्योंकि सदियों से ये लोग हमारे समाज और बीमारियों के बीच दीवार बनकर खड़े रहे हैं। इनका इतना हक तो बनता है, अब इस प्रथा को बंद करना ही होगा।
हम तहे दिल से इन्हें सलाम करते हैं। हमारा गांव अब ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF हो चुका है, लेकिन मंजिलें अभी और भी हैं। तो देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।